मानसून सत्र के हंगामे की बात कर लेते हैं। पहले तो मणिपुर और दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर आर पार की लड़ाई थी, लेकिन अब दोनों सदन से दिल्ली बिल पास होने के बाद नए मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया, जिसके केंद्र बिंदु बने हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। बीजेपी के निशाने पर आप सांसद राघव चड्ढा गए हैं। बीजेपी ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। राघव के खिलाफ 5 सांसदों ने शिकायत की है। राघव के प्रस्ताव में अपना नाम होने पर एतराज जताया है और विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया गया। दरअसल दिल्ली सर्विसेज बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए जिन सांसदों के नाम राघव चड्ढा ने शामिल किए, उनमें से बीजेपी के 3, बीजू जनता दल और अन्नाद्रमुक के 1-1 सांसद ने फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगा दिया। इन्होंने विशेषाधिकार हनन का हवाला देकर शिकायत की है। वहीं आप और कांग्रेस का कहना है कि राघव ने नियम के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। यह संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता। राघव चड्ढा ने फ्रॉडगिरी करी और आप कह रहे हो कि उसको डिफेंड कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हर बार की तरह आप हमें झूठा खड़ा रहे हैं, लेकिन नैतिकता के तौर पर आपका चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है। और एक रेजोल्यूशन जिसमें कि माननीय चड्ढा साहब उन्होंने मूव किया था, उसमें मैंने अपना नाम सुना और जैसे ही मैंने सुना मैंने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया, चेयर का अटेंशन ड्रॉ किया और अंडर रूल 72(2) ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया और मैंने कहा कि इस पर मेरी कोई सहमति नहीं थी और इस पर मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया था, तो अचानक मेरा नाम इसमें कैसे आया है। कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल सदन चलाना चाहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शराब घोटाले से लेकर शीश महल बनाने से लेकर तुम सब पापों को अधिकारी अपने अनुसार रख के ढकना चाहते हो, तो कैसे तर्क, सारे तर्क की तर्क तो थे जो अमित शाह जी ने दिए। अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ये बिल पास ना हो, कांग्रेस भी चाहती है बिल पास। और सीधे रुख करते लेते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का हमारे साथ बने हुए। अंकित जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वर्तमान में स्थिति क्या बनी है, क्या हो रहा है इस मामले में? देखिए, साफ तौर पर राघव चड्ढा के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने बिना सहमति लिए उन लोगों के नाम जो है सेलेक्ट कमेटी की जो लिस्ट में डाल दिए, जो कि उन्होंने एक जो है मोशन मूव किया था, अमेंडमेंट का मोशन था, जो कि हालांकि बाद में निगेट हो गया, यानी कि वो गिर गया था, लेकिन वो जो मोशन उन्होंने मूव किया था उसमें सुधांशु त्रिवेदी हो, सस्मित पात्रा हो, ऐसे 5 लोगों के नाम डाल दिए और इन लोगों ने उसी दौरान सदन में आपत्ति दर्ज करवाई कि हमसे तो चर्चा की ही नहीं गई, हमारा नाम इस लिस्ट में कैसे डाल दिया गया। हालांकि जो सस्मित पात्रा है, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बाकायदा इस नियम भी हवाला दिया कि ऐसे तो कोई भी किसी का भी नाम इस लिस्ट में डाल दे, लेकिन ये तरीका नहीं है। अगर आप सेलेक्ट कमेटी के जो आप ला रहे हैं संशोधन के लिए ला रहे हैं और उसमें नाम डाल रहे हैं, तो कम से कम आप नाम तो पूछेंगे ना कि आप तैयार हैं या नहीं है, और ऐसे में उनका नाम डालना ही उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई जिस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है और फिलहाल मामला चेयरमैन के पास पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, और इस पर अब जांच की बात कही जा रही है। सीधे अब वरिष्ठ पत्रकारों का भी रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। रशि सर, जिस तरीके की पूरी तस्वीर सामने आ रही है सेलेक्ट कमेटी को बिल भेजने को लेकर, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है या वाकई ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है? देखिए, जो इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं वो बहुत ही मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित और कुछ हद तक बचकाने भी हैं। देखिए, अगर किसी सांसद से कोई भूलचूक होती है तो उसके दूसरे तरीके होते हैं, वो कमेटी में जाएगा, वो माफ़ी भी मांग सकते हैं, जिसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। ये कहना कि उसने फलाने दल ने अपनी असेंबली में ऐसा बिल पास किया था, अरे भाजपा का आप इतिहास देखें, भाजपा ने क्या अकाली दल से समझौता नहीं किया? क्या प्रकाश सिंह बादल ने भारत के संविधान की प्रतियां नहीं जलाई थी? तो ये सारी बातें जो है ना, इसको ये सब चीज़ें बेमानी होती है। देखिए, राजनीति में बहुत बार ऐसा होता है, संसद की एक गरिमा होती है, वहाँ के सांसदों का एक उनके पास कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो माफी तलाफी का भी रास्ता होना चाहिए। लेकिन समीर सर ये भी जानना चाहते हैं कि नियम क्या कहते हैं। किसे पूछा जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए, नियम अगर 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 कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, किसी के हस्ताक्षर जाली हस्ताक्षर हुए हैं, तो गंभीर मामला बनता है, लेकिन मेरा कहना ये कसूरवार हम तब ठहराएंगे जब उसकी जांच हो जाए। अगर मान लीजिए राघव चड्ढा को कोई गलतफहमी हुई हो या कोई उनको कागज गलत दिया गया हो या वो अपनी भूल खेद प्रकट करना चाहते हैं, तो संसदीय परंपरा में बिल्कुल ये तमाम चीजें भी जिसको देखना होगा। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सनक चुकी है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं जिन्हें व्हील चेयर पर
कल राज्यसभा में वोटिंग के लिए लेकर कांग्रेस आ गई। मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये जानते हुए सरकार का पलड़ा भारी है। बावजूद इसके मनमोहन सिंह को लेकर आने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। ट्वीट का जवाब कांग्रेस ने भी ट्वीट से ही दिया और लिखा कि सच्चाई और भगोड़ेपन में फर्क होता है। तो देखिए ये तस्वीर और उसके बाद ट्वीट का वार। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ये जो झगड़ा है ट्वीट पर, ये किस बात को लेकर हो रहा है? देखिए बीजेपी का क्या कहना है, बीजेपी एक तरह से सवाल ये खड़ा कर रही है कि विपक्ष को भी पता था कि उनके पास में नंबर्स नहीं है, उसके बावजूद मनमोहन सिंह जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक उम्र दराज व्यक्ति है और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, इसी वजह से सदन की जो नियमित कार्रवाई चल रही है उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, उसके बावजूद उनको मजबूर किया गया कि वो सदन में आए। और इसी बात पर जो है बीजेपी जो है एक तरह से इमोशनल कार्ड भी जो है उठा रही है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो सदन की कार्रवाई में रोजाना आ नहीं रहा, आपने उसको मजबूर किया कि वो सदन में आए, वो भी तब जबकि आपके पास में संख्या बल था ही नहीं। तो ये इसको एक राजनीतिक जो है बयान के तौर पर, एक राजनीतिक ट्वीट के तौर पर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मनमोहन सिंह पहुंचे थे, वो विपक्ष का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने वोट भी किया। जी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।